अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साम सजद और आप देख रहे हैं हेल्प वाला। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह रिपोर्टिंग सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह उसमें सेटिंग करके अपने मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहते चलूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, मैं रिपोर्टिंग पे सबसे पहले क्लिक करूँगा, उसमें टाइम सेक्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह का कोई पैनल सामने आ जाएगा जिसमें मेरे पास ऑप्शन है टाइम फ्रेम की, फिल्टर ऑप्शन की। टाइम फ्रेम क्या है? अगर मैं अपनी रिपोर्टिंग जो मैंने क्लिक करवाई है, कन्वर्जन कराई है या मैं जितना काम करवाया है वो लास्ट 7 डेज़ का मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं कल की रिपोर्ट देखूँ तो मैं कल यस्टरडे सेलेक्ट करूँगा। अगर आज की देखनी है तो टुडे डेफिनेटली मैं सेलेक्ट करूँगा। इस तरह आप अपने मुताबिक कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम फ्रेम टाइम फ्रेम ये है कि आप फलां डेट से फलां डेट तक, मतलब मैं 8 से कल की डेट डालता हूँ तो सिर्फ 2 डेट्स का मुझे डेटा बताएगा। ठीक है, तो ये होगी बात टाइम फ्रेम की। अब यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, आपने ऑप्शन कौन से सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट करें, सबसे पहले मैं आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट किए बगैर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बता रहा है व्यूज़, क्लिक्स, इस तरह CTR और कमीशन। और मेरे पास यहाँ पे आप देख के बाद नोटिस की होगी, यहाँ पे ऐप इंस्टॉल का कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कितनी मैंने ऐप इंस्टॉल करवाई हैं, न्यू कस्टमर कौन सा है, बोनस कितना मिला है, यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा। ये परेशानी आपको भी हो सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए आपने यहाँ पे कन्वर्जन टारगेट लिखा होगा, उसके ऑप्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ पे सेलेक्ट आल पे क्लिक कर लेनी है। सेलेक्ट आल क्लिक करने के बाद आपने सेव फिल्टर पे क्लिक करनी है और उस फिल्टर को कुछ भी नाम दे देने हैं। अब सेव करने का फ़ायदा ये है कि आपको बार बार ये सेटिंग करनी नहीं पड़ेगी। एक बार आपने फ़िल्टर सेव कर लिया देन उसी फिल्टर को दोबारा सेलेक्ट करें और अपनी रिपोर्ट देख लें। जैसे मैं यहाँ पे अपने फ़िल्टर सेलेक्ट करता हूँ ऐप वाला जो अभी आपके सामने मैंने क्रिएट किया है और यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ, तो मेरे पास वही रिपोर्टिंग आएगी जिसको मैंने कस्टमाइज यहाँ आपके सामने किया है। इस तरह ये सब रिपोर्टिंग आपने सेम करनी है। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास ऐप इंस्टॉल भी शो हो गया, न्यू कस्टमर भी शो हो गया और न्यू कस्टमर ऐप वाला भी ऑप्शन शो हो गया है। सेल कितने की है, सेल ऐप कितने की है, अदर जितना भी डिटेल है और टोटल जो भी डिटेल है आपके पास शो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई बात समझ नहीं आई, किसी कोई बात में वीडियो में बता नहीं सका तो आप कमेंट करें। ठीक है, तो मैं आपका उसका आंसर लाजमी करूँगा। चैनल हेल्प वाला को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।